दोस्तों, अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर्स हो, इंस्टाग्राम को यूज़ करते हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है और आपको वहाँ पर कुछ इस तरह के इंटरफेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप अपने इंस्टाग्राम को लॉगिन कर रहे हो, यूज़र नेम पासवर्ड डाल करके आपके सामने ऐसे इंटरफेस आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अगर आपके सामने ऐसे इंटरफेस आ रहे हैं और आप परेशान हो कि भाई हमारी आईडी लॉगिन क्यों नहीं हो रही है, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं और आप इन स्टेप को फॉलो भी कर रहे हो, फॉलो करने के बाद भी आपको OTP रिसीव नहीं हो रहा है और वहाँ पर आपको एरर शो हो रहा है 24 आवर्स का, वहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 24 घंटे वेट कीजिए, उसके बाद में आपको OTP मिल जाएगा। काफ़ी पर्सन ने 24 घंटे भी वेट कर लिया, 25 घंटे भी वेट कर लिया, 26 घंटे भी वेट कर लिया, 30 घंटे भी वेट कर लिया, लेकिन उनको OTP रिसीव नहीं हो रहा है, उनको कन्फर्मेशन कोड नहीं आ रहा है। और जब तक कन्फर्मेशन कोड OTP आपको रिसीव नहीं होगा, जब तक आप उसको यहाँ पर एंटर नहीं करेंगे, सबमिट नहीं करेंगे, आपकी आईडी नहीं चलेगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम आपके साथ में क्यों आती है और इससे कैसे बचना है और अपनी आईडी को यहाँ पर रीएक्टिव यानी कि इनेबल फिर से चालू कैसे करना है। अगर आप ये चाहते हो कि हमारी जो आईडी है वो बहुत जल्द सही हो जाए, तो मेरी इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद SS यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो, ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों आती है, क्या आप यहाँ पर गलती करते हो, क्या गलतियाँ आपको यहाँ पर नहीं करनी है, पहले वो समझ लीजिए और उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, OTP किस तरह से लेना है, हम किस तरह से OTP लेकर के सभी के अकाउंट को यहाँ पर रिकवर कर रहे हैं। अगर आप यही चीज़ जानना चाहते हो तो वीडियो में बने रहें, स्किप करके ना देखें, एंड तक देखें। आईडी रिकवर अगर करानी है तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, अगर कोई भी पार्ट आप मिस करते हो, कोई भी चीज़ मिस करते हो, तो आपकी आईडी आपको नहीं मिलेगी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो आईडी में ये वाली जो प्रॉब्लम आती है सस्पेंड वाली, वो क्यों आती है, आपसे क्या गलतियाँ क्या मिस्टेक होती हैं। कुछ पर्सन यहाँ पर जो है ना, जो न्यू यूज़र्स होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है तो वो यहाँ पर गलतियाँ करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है आप उसको ब्रेक करते हो और इस वजह से आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। कुछ कंडीशन में सस्पेंड कर दिया जाता है और कुछ कंडीशन में डिसेबल कर दिया जाता है और कुछ कंडीशन में डायरेक्ट डिलीट कर दिया जाता है परमानेंट के लिए। तो यहां पर आपको सही तरीके से अपने अकाउंट को चलाना चाहिए और जो गलतियां हैं, जो आप यहां पर गलतियां करते हो, वो कौन कौन सी है, वो इसी वीडियो से आपको पता लगने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करनी है। आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज़ की होगी जिससे जो है फॉलोवर्स इंक्रीज़ होते हैं, या फिर कोई एप्लीकेशन ऐसी यूज़ की हो जिससे हमारी जो फॉलोइंग होती है वो डिक्रीज़ होती है। सारी फॉलोइंग को कम करने के लिए भी एप्लीकेशन हम यूज़ कर लेते हैं, या फिर फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए भी एप्लीकेशन को यूज़ कर लेते हैं, या फिर रील्स वीडियो डाउनलोड करने के लिए भी कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि इंस्टा स्टोरी सेवर का हम यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम यहाँ पर स्टोरी को डाउनलोड करने के लिए भी कोई एप्लीकेशन को यूज़ कर लेते हैं। और होता क्या है कि ऐसी एप्लीकेशन जब हम यूज़ करते हैं तो उनमें अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं यूज़र नेम पासवर्ड डाल करके, उसके बाद में हमारे अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है इंस्टाग्राम की तरफ से, क्योंकि इंस्टाग्राम यहाँ पर मना करता है कि आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हमारे अकाउंट के लिए जो है ना रिस्की होती है और उससे हमारे अकाउंट में कोई भी यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, कोई भी दिक्कत आ सकती है, डिलीट हो सकता है, डिसेबल हो सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। तो आपको कभी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करना है। बहुत सारी एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है, अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करते हो तो वो बिल्कुल नहीं करनी है। कुछ लोग लाइक्स बढ़ाने के चक्कर में एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कुछ गलत वेबसाइट पर जाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर गलत एक्टिविटी करते हो। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसा भी करते हैं कि कुछ जैसे कि उल्टी सीधी जो वीडियो होती है उसको शेयर करते हैं। अगर आप ऐसा भी करते हो अपने अकाउंट के अंदर, या फिर जो है ना आप गाली गलौज करते हो, वहाँ पर उल्टी सीधी बातें बोलते हो ग्रुप्स बना करके, लाइव आ करके, ऐसी तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके अकाउंट को सस्पेंड, डिसेबल और डिलीट या फिर टेम्परेली लॉक कर सकती है। इन सभी चीज़ों से आपको बचना है। अगर अब तक आपने इस तरह की इनमें से कोई भी गलती की है, आगे इन गलतियों को आपको नहीं करना है अगर आपको लॉन्ग टाइम इंस्टाग्राम पर रहना है। तो ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई कि आपको ये जो प्रॉब्लम आई है वो क्यों आई है। अब बात यहाँ पर आती है कि इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करना है। जो प्रॉब्लम हमें आ चुकी है, जो इंटरफेस हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं, इसको कैसे फिक्स करना है और अब इसको यहाँ से हटाना कैसे है और अपनी आईडी को कैसे चलाना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपने 26 घंटे, 27 घंटे, 28 घंटे,
30 घंटे पूरा वेट किया और उसके बाद भी ओटीपी नहीं आ रहा है, तो वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप इसको ज़्यादा बार ट्राई कर चुके हो। जब एक बार हमें 24 आवर्स का यहाँ पर ये जो पेज मिल जाता है देखने का, तो हमें क्या करना होता है, अपने अकाउंट को छेड़ना नहीं है। अगर आपके आईडी पासवर्ड याद है तो पूरा अकाउंट ही रिमूव कर दो, इंस्टाग्राम ही डिलीट कर दो और दूसरी आईडी चलाने के लिए इंस्टाग्राम लाइट का आप यूज़ कर सकते हो। देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको वही करना है। अगर आपके आईडी पासवर्ड याद है तो आप उस अकाउंट को क्लोज कर दो, वहाँ से हटा दो, इंस्टाग्राम को ही डिलीट कर दो और अपनी दूसरी आईडी चलाने के लिए, कोई और एक्स्ट्रा आईडी चलाने के लिए इंस्टाग्राम लाइट का यूज़ करो। उसमें अपने इंस्टाग्राम लाइट को जो है ना इंस्टॉल कर लेना फ़ोन के अंदर और उससे जो है दूसरी आईडी आप चला सकते हो। उसके बाद में आपको वेट कितना करना है, मान लीजिए कि आज के टाइम पर अभी पर आपने उसको ट्राई किया, 24 घंटे आ गए, अब आपको कितना यहाँ पर जो है ना ट्राई करना है, कम से कम यहाँ पर आपको 35 से 40 घंटे, जी हाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ 35 और 40 घंटे तक, पूरा 40 घंटे तक आप वेट करेंगे। 40 घंटे के बाद में जब आप उसको फिर से ट्राई करेंगे, ट्राई करने का सिंपल तरीका है, जब आप ट्राई करोगे तो ऑफिशियल इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को फिर से आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद में उसमें आईडी को लॉगिन करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद में अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ बराबर में आपको एक ऑप्शन शो होगा कंट्री सेलेक्ट करने का। कुछ लोग यहाँ भी मिस्टेक करते हैं, कंट्री सेलेक्ट नहीं करते हैं और उनका ओटीपी उनको नहीं मिलता है। कंट्री सेलेक्ट कैसे करनी है, कंट्री पर क्लिक करेंगे, अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर जो है ना आपको इंडिया सेलेक्ट करना होगा, प्लस 91 आ जाएगा, ये इंडिया का कंट्री कोड होता है। जब तक कंट्री कोड नहीं डलेगा तब तक ओटीपी नहीं आएगा। कंट्री कोड यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद में बराबर वाले बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर कोई भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है जो आईडी के अंदर हो वो ही डलेगा, कोई भी डाल सकते हो, भैया का, पापा का, मम्मी का, किसी का भी फैमिली से डाल सकते हो। और वो नंबर जो आप डालोगे उसमें रिचार्ज होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ यहाँ पर मैं और क्लियर कर देता हूँ, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ओटीपी रिसीव नहीं होता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, जब आप प्रोसेस को फॉलो करने जाएँ तो वहाँ पर अपने फ़ोन को, जिस नंबर को आप डालना चाहते हो उस फ़ोन को एक बार ऑन ऑफ करके ऑन कर लें, यानी कि ऑन ऑफ कर लें उसको, या रीस्टार्ट कर सकते हो पावर ऑफ के बटन से, वहाँ पर रिबूट या रीस्टार्ट का एक ऑप्शन आता है, उससे कर लें। होता क्या है कि हमारे जो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है वो सही हो जाती है और हमें यहाँ पर सक्सेसफुली ओटीपी भी फिर रिसीव हो जाता है। उसके बाद में जब आप वहाँ पर 10 डिजिट का नंबर डाल देंगे और उसके बाद में यहाँ पर आप सबमिट नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट पेज आ जाएगा इस तरह का, यहाँ पर आप वो ओटीपी डालेंगे जो आपके नंबर पर आएगा। ओटीपी डालने के बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट सबमिट कर देंगे, उसके बाद में जो है ना फिर आपकी आईडी सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनमें मेन चीज़ यही है कि 35 से 40 घंटे वेट करना है, नंबर वो डालना है जिसमें रिचार्ज हो, और बस इतना करना है। और उसके बाद में जो है ना कंट्री कोड भी है इसमें मेन चीज़, कंट्री कोड ज़रूर सेलेक्ट करना है, सबमिट कर देना है, उसके बाद में आपकी आईडी यहां पर जो है ना इनेबल हो जाएगी, रीएक्टिव हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से काफ़ी पर्सन के हम अकाउंट जो है ना यहाँ रिकवर करा चुके हैं, काफ़ी पर्सन के अकाउंट्स हम उनको दिला चुके हैं। अगर आपसे फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी कोई दिक्कत है, तो आप हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, हम सभी की हेल्प करते हैं, आपकी भी करेंगे। तो हमें जो है ना कोई भी इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जो है ना हमें फॉलो करो, फॉलो करके मैसेज करो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है हमारी, जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आइए फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, हमसे बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराइए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।